नमस्कार रितम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। गुजरात के केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर संबोधित करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति हमारी विकास यात्रा में सबसे बड़ी रुकावट है। भारत के बीते कई दशक साक्षी हैं, तुष्टीकरण करने वालों को आतंकवाद, उसकी भयानकता विकरालता कभी दिखाई नहीं देती। साथ ही कहा कि तुष्टीकरण करने वालों को मानवता के दुश्मन के साथ खड़े होने में संकोच नहीं हो रहा, वो आतंकी गतिविधियों की जांच में कोताही करते हैं। पीएम ने कहा कि तुष्टीकरण की ये सोच इतनी खतरनाक है कि वो आतंकियों को बचाने के लिए अदालत तक पहुंच जाती है। मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी, शशि थरूर, AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी समेत कई विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने दावा किया कि उनके फोन हैक किए जा रहे हैं। इस पर केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जवाब दिए हैं। उन्होंने बताया कि एप्पल की ओर से कुछ लोगों को एक अलर्ट आया है, उसके बारे में मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार इस मुद्दे को लेकर बहुत गंभीर है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यह अलर्ट एप्पल ने भारत के अलावा और भी 150 देशों में जारी किए हैं। वहीं आगे इस मुद्दे को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस देश में हमारे कुछ आलोचक हैं जिनकी आलोचना करने की आदत हो गई। इनका ये हाल है कि जब नींद खुली तब सरकार की आलोचना कर ये लोग देश की उन्नति को बचा नहीं सकते, क्योंकि जब ये लोग सत्ता में थे तब इन्होंने सिर्फ अपने बारे में सोचा। बता दें कि इस मामले में एप्पल ने भी अपनी सफाई रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि यह संभव है कि एप्पल की कुछ सूचनाएं झूठी चेतावनी हो सकती हैं। ऐसी सूचनाएं जारी करने की वजह बताने में हम अभी असमर्थ हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के लिए ईडी द्वारा समन भेजने के बाद आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार आम आदमी पार्टी को खत्म कर देना चाहती है, जिस पर भाजपा ने जवाब दिया है। भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आम आदमी पार्टी का आरोप कि सरकार उसको खत्म कर रही है, जबकि हमारा मानना है कि आम आदमी पार्टी खुद को खत्म कर रही है। प्रेस वार्ता में रविशंकर ने आगे कई सवाल उठाए। रविशंकर ने पूछा कि कमीशन खाने वाली शराब नीति बनाने के लिए क्या केंद्र सरकार ने कहा था? क्या मंत्री समूह की बैठक का कोई रिकॉर्ड है? अगर पॉलिसी अच्छी और कारगर मानी गई थी तो उसे महज 10 महीने में ही खत्म क्यों कर दिया गया? शराब पॉलिसी क्यों बदली? महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आंदोलन जारी है। इसी बीच इस मामले को लेकर मंगलवार को महाराष्ट्र सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक की। वहीं इस दौरान बैठक में 3 अहम फैसले लिए गए। बैठक में सबसे पहले जस्टिस संदीप शिंदे की प्रथम रिपोर्ट मंजूर कर ली गई। मंत्रिमंडल ने अपने दूसरे फैसले में मराठा समाज के शिक्षा और सामाजिक रूप से पिछड़े होने की जांच करने के पिछड़ा वर्ग आयोग को जिम्मेदारी सौंपी है। वहीं आखिरी फैसले के तहत 3 सदस्य जस्टिस की सलाह समिति गठित की गई है, जिसके अध्यक्ष जस्टिस दिलीप भोसले होंगे। वहीं जस्टिस गायकवाड़ और जस्टिस संदीप शिंदे की समिति सरकार को मराठा आरक्षण देने के लिए कानूनी सलाह देगी। जेल में बंद सपा नेता आजम खान को एक और बड़ा झटका लगा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में रामपुर में जौहर ट्रस्ट को माध्यमिक शिक्षा विभाग द्वारा लीज पर दी गई मुर्तजा उच्च माध्यमिक विद्यालय के भवन व भूमि वापस लेने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। गौरतलब है कि सपा सरकार में शर्तों की अनदेखी कर विद्यालय की जमीन जौहर ट्रस्ट को मात्र 100 रुपए सालाना के किराए पर दी गई थी, जिसे बाद ट्रस्ट ने अपने नाम करवा लिया था, जिसमें रामपुर पब्लिक स्कूल खोल दिया गया। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह समेत अन्य 204 पुलिस कर्मियों को केंद्रीय गृह मंत्री के स्पेशल ऑपरेशनल मेडल के चुना गया है। अवार्ड के लिए चुने गए 204 पुलिस कर्मी 10 राज्यों के 3 केंद्रीय संगठन CRPF, अंतर्राष्ट्रीय जांच एजेंसी और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से। इन 10 राज्यों में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल और उत्तराखंड शामिल है। बता दें कि इस अवार्ड को आतंकवाद का मुकाबला करने, सीमा पर कार्रवाई, हथियार नियंत्रण, नशीली पदार्थ की तस्करी और रोकथाम के क्षेत्र में दिया जाता है। दक्षिण कोरिया के चांगबून में जारी 15वीं एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप भारतीय शूटर अनीश बनवाला ने व्यक्तिगत और टीम इवेंट में 2 कांस्य पदक जीतने के साथ साथ पेरिस ओलंपिक 2024 का कोटा भी हासिल कर लिया है। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल प्रतियोगिता में अनीश ने 600 में से 588 अंक हासिल किए और अपने स्कोर के बदौलत ओलंपिक का टिकट जीत लिया।
बता दें कि दक्षिण कोरिया में अपना शानदार प्रदर्शन के बाद अनीश गोवा में चल रही 37वीं राष्ट्रीय खेलों में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन देंगे। गोवा में उनका इवेंट 5 और 6 नवंबर को होगा।